In this video, today, the topic we are going to discuss is anterolateral spinothalamic pathway, which is the second pathway apart from the first type of the pathway, that is the dorsal column medial lemniscus pathway. Dorsal column medial lemniscus pathway is discussed in the previous video. Now we are going to discuss the second part of the second pathway, that is anterolateral spinothalamic pathway. हमने पढ़ा था कि पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसवर्स सेक्शन था, इस सेक्शन में हमने देखा कि सबसे पहले जो स्पाइनल नर्व आ रही थी, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू होते हुए जो डॉर्सल रूट में आती है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती थी। एक इसका मीडियल ब्रांच हो जाता था और एक इसका लेटरल ब्रांच हो जाता था। इसका जो मीडियल ब्रांच हो जाता था वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशन शो करता था डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे में, और इसका जो लेटरल ब्रांच होता था, ये जो लेटरल ब्रांच होता था, ये लेटरल ब्रांच जाकर के टर्मिनेट करता था डॉर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर में। डॉर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर में टर्मिनेट करने के बाद यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का बिगनिंग होता है। ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं वो डिकसेट करते हैं, दैट इज क्रॉस करते हैं, किसको क्रॉस करते हैं, कॉन्ट्रालेटरली। कॉन्ट्रालेटरली इस ग्रे मैटर को क्रॉस करते हैं और जाकर के कंटिन्यू करते हैं सेकंड टाइप ऑफ द पाथवे में, दैट इज एंट्रोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे। तो इस वीडियो में हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप ऑफ द पाथवे, दैट इज एंटीरियोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट लेवल पे ये पाथवेज कैसे एडप होते हैं। अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले लोअर पार्ट में अगर हम लोग देखें, ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, उसमें जाकर के ये जो एंटरोलेटरल फाइबर्स होते हैं वो सबसे लेटरली प्रेजेंट होते हैं। फिर जैसे ही हम लोग अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो जो स्पाइनल कॉर्ड में जो डिफरेंट एंटरोलेटरल फाइबर्स इसके अंदर एडप होते हैं, वो मीडियली एडप होते चले जाते हैं। तो ये लोअर पार्ट ऑफ द फाइबर है जो कि सबसे लेटरली है, उसके अपर पार्ट से थोड़ा सा इससे मीडियली फाइबर एडप हुआ, उसके अपर पार्ट में जाकर के ये और मीडियली एडप हुआ। इस तरह कर करके हम लोग कहते हैं जो फाइबर्स होते हैं वो मीडियली स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट लेवल्स पे एडप होते हुए चले जाते हैं, और ये एक पाथवे बना देता है, जिस पाथवे का नाम क्या है, एंट्रोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे है। अब इस पाथवे को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पूरे के पूरे पाथवे को स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे क्या होता है कि सबसे पहले स्पाइनल नर्व जाकर के एंटर करती है डॉर्सल रूट से। डॉर्सल रूट से एंटर करने के बाद ये जाकर के दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। सबसे पहली ब्रांच हो जाती है वो मीडियल ब्रांच हो जाती है, और सेकंड लेटरल ब्रांच हो जाती है। ये जो मीडियल ब्रांच होती है, ये मीडियल ब्रांच ऊपर की तरफ डॉर्सल कॉलम पाथवे को फॉलो कर जाती है, और जो लेटरल ब्रांच होती है, ये लेटरल ब्रांच जाकर के डॉर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर में जाकर टर्मिनेट कर जाती है। यहीं तक के जो ये जो पूरा का पूरा न्यूरॉन था, जो कि सेकंड जो कि डॉर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर में जाकर के टर्मिनेट कर जाता है, इसको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। और यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का बिगनिंग होता है, जो कि यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का बिगनिंग होता है। ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का बिगनिंग होता है और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का टर्मिनेशन होता है, इस पूरे के पूरे एरिया और सराउंडिंग एरिया को मिला करके, इस पूरे के पूरे एरिया को हम लोग एक डिफरेंट नाम देते हैं। इस एरिया का नाम होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के लेवल पे इन न्यूरॉन्स के बीच में क्या क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे के पूरे पाथवे का। अब हम लोग कहते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बिगनिंग होता है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को हम लोग एंटरोलेटरल स्पाइनोथर्मिक न्यूरॉन भी कहते हैं। ये जो एंटरोलेटरल स्पाइनोथर्मिक न्यूरॉन या फिर एंटरोलेटरल स्पाइनोथर्मिक फाइबर्स होते हैं, ये अब पूरे के पूरे ग्रे मैटर को डिकसेट करते हैं, दैट इज ये इसको पूरा का पूरा क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और ये बिगिन करते हैं और ये पहुंचते हैं एंटीरियर एंड लेटरल पार्ट्स में, एंटीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ द व्हाइट मैटर में जाकर के ये पहुंचते हैं। तो एक्चुअली में इस पाथवे को हम लोग दो मेन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक पाथवे और लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे। दिस पाथवे इज नोन एज द लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे एंड दिस पाथवे इज नोन एज द एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक पाथवे। अब लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे जो होता है वो सेंसेशंस कैरी करता है, जैसे पेन और टेम्परेचर, और एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक पाथवे जो होता है वो कैरी करता है क्रूड टच। इसी के बीच में एक और पाथवे हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज स्पाइनोटेक्टल पाथवे। स्पाइनोटेक्टल पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स। स्पाइनोटेक्टल पाथवे ये कुछ लेवल तक, कुछ एक्सटेंट तक जाकर के एंटरोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे को फॉलो करता है। उसके बाद इसका अलग पाथवे होता है जो कि टेक्टम में जाकर के टर्मिनेट कर जाएगा, और स्पाइनोथर्मिक पाथवे अपना अलग पाथवे कैरी ऑन करता है। इस पाथवे को, स्पाइनोटेक्टल पाथवे को भी हम लोग इसी के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी के बंडल्स में ये कैरी ऑन होता है, इस वजह से एंटरोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे के साथ भी हम लोग स्पाइनोटेक्टल पाथवे भी पढ़ते हैं। तो मेनली हमने स्पाइनोथर्मिक पाथवे को दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज द एंटरोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे को दो पार्ट में डिवाइड किया, एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक पाथवे एंड लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे। नाउ ये जो फाइबर्स हैं एंटीरियर, ये जो लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे के फाइबर्स हैं और एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक के पाथवे के फाइबर्स हैं, ये ऊपर की तरफ जाकर के बढ़ते, ये ऊपर की तरफ असेंड करते हैं। जब ये ऊपर की तरफ असेंड करते हैं, तब डिफरेंट लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जब एडअप होता चला जाता है, तो उसके जो एंटीरियोलेटरल स्पाइनोथर्मिक न्यूरॉन्स होते हैं वो उसके मीडियली जाकर के एडअप होते चले जाते हैं। फिर जब ये फाइबर्स होते हैं वो पहुंचते हैं मेड्यूलो ऑब्लंगाटा के लेवल पे। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है मेड्यूलो ऑब्लंगाटा का। जब ये मेड्यूलो ऑब्लंगाटा के लेवल पे पहुंचते हैं, तब जाकर के ये जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के
पास आकर के एक दूसरे से मिलकर एक ट्रैक्ट बना देते हैं। इस ट्रैक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पाइनल लेमनिस्कस कह देते हैं। सो बेसिकली एंटीरियर लेटरल, जैसे हमने डोर्सल कॉलम पाथवे को डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे कहा था, वैसे ही एंटीरियर लेटरल पाथवे को हम लोग एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथेलमिक स्पाइनल लेमनिस्कस पाथवे भी कहते थे, क्योंकि स्पाइनल लेमनिस्कस के थ्रू ये आगे की तरफ असेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फाइबर्स थे जैसे जिसमें लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे के न्यूरॉन्स, एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक पाथवे के न्यूरॉन्स और स्पाइनोटेक्टल पाथवे के जो न्यूरॉन्स थे, ये तीनों न्यूरॉन्स आकर के एक दूसरे से मिलकर, ये तीनों न्यूरॉन्स होते हैं वो मिलकर के एक ट्रैक्ट बना देते हैं जिस ट्रैक्ट का नाम स्पाइनल लेमनिस्कस होता है। ये किस लेवल पे होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा के लेवल पे होता है। अब स्पाइनल लेमनिस्कस का जो फॉर्मेशन होता है, ये स्पाइनल लेमनिस्कस ऊपर की तरफ असेंड करता है पोन्स में, पोन्स से जाता है ये मिडब्रेन में और मिडब्रेन से ये चला जाता है थैलेमस के अंदर। थैलेमस के अंदर जाने से पहले इसमें जो स्पाइनोटेक्टल पाथवे के जो फाइबर्स थे वो उस वो जो होते हैं वो टर्मिनेट कर जाते हैं टेक्टम के अंदर। टेक्टम जो होता है वो मिडब्रेन में, मिडब्रेन के बैक पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जो कि सुपीरियर कोलिकलस और इंफीरियर कोलिकलस को मिलाकर के बनता है। तो टेक्टम स्पाइनोटेक्टल पाथवे का एंड यहीं पे हो जाता है, जो कि यहां से जाकर के स्टार्ट हुए थे और पूरा का पूरा ये एंड हो गया टेक्टम में जाकर के। इसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि जो स्पाइनोटेक्टल पाथवे एंड हो गया, अब हम लोग कहते हैं कि जो एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे थे, मतलब एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे, ये क्या होता है कि इसके कुछ फाइबर्स जो होते हैं, ये जो थैलेमस था, थैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है इसका नाम होता है वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस। तो ये जो एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे के जो न्यूरॉन्स थे, ये जाकर के टर्मिनेट करते हैं, जो कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स थे, ये जाकर के टर्मिनेट करते हैं कहां पे, थैलेमस के वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस में। फिर यहां से बिगिनिंग होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का। ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, ये वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस से बिगिन होकर के, और उसके बाद फिर पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, दिस इज द इंटरनल कैप्सूल, दिस वाज थैलेमस, दिस वाज वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, एंड दिस इज इंटरनल कैप्सूल, एंड दिस इज द पोस्टीरियर लिंब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। सो क्या होता है कि यहां पे पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से होते हुए थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाकर के रेडिएट करके टर्मिनेट कर जाते हैं, और वहां पे जाकर के एनालिसिस होता है, पेन, टेम्परेचर, क्रूप टच और इन सब का एनालिसिस होता है। दो और एरियाज से इनका कनेक्शन प्रेजेंट होता है। एक होता है एरिया जिसका नाम हो जाता है सिंगुलेट गाइरस। ये सिंगुलेट गाइरस एरिया जो होता है वो इमोशनल एरिया होता है। इससे जो ये एंटरोलेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे के न्यूरॉन्स है उनका कनेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पेन से हमेशा इमोशन जो होता है वो एसोसिएटेड होता है। पेन की वजह से क्राई होता है, इमोशंस होता है, ये सारे इमोशंस जो होते हैं वो पेन से कनेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ दीज कनेक्शंस विद द सिंगुलेट गाइरस। फिर हम लोग कहते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ एसोसिएशन प्रेजेंट होता है इंटरनल इंसुलर कॉर्टेक्स की वजह से। इंसुलर कॉर्टेक्स की वजह से में जो ये कनेक्शन प्रेजेंट होता है इन न्यूरॉन्स का, ये ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट आर द ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग द पेन? ड्यूरिंग द पेन हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया, दैट इज हार्ट बीट तेज हो जाना, स्वेटिंग हो जाना, ये सारी चीजें ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द ब्रेन के अंदर आती है और ये इंसुलर कॉर्टेक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक ओवरव्यू हो जाता है पूरे के पूरे पाथवे का, कि कैसे ये पूरा का पूरा असेंडिंग पाथवे का सेकंड पार्ट, दैट इज द एंटेरोलेटर स्पाइनोथेलमिक पाथवे, ऊपर की तरफ असेंड करता है। अब हम लोग कहते हैं कि जो पेन के फाइबर्स थे, जो कि लेटरल पेन और टेम्परेचर के लिए लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे फॉलो करता था, पेन के लिए दो टाइप ऑफ द पेन के लिए हम लोग कहते हैं कि टोटल दो टाइप ऑफ फाइबर्स जो कि होते हैं कंडक्शन शो करते हैं, एक फास्ट पेन और एक स्लो पेन। फास्ट पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो टाइप ऑफ द फाइबर होता है वो ए डेल्टा टाइप ऑफ द फाइबर होता है, और स्लो पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल सी टाइप ऑफ द फाइबर होता है। तो जो स्लो पेन के लिए जो फाइबर्स ऊपर की तरफ असेंड करते हैं, ये स्लो पेन के फाइबर्स कुछ डिफरेंट ब्रांचेस शो करते हैं, रेटिकुलर सब्सटेंस। ये रेटिकुलर सब्सटेंस होता है जो कि पूरे के पूरे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है। ये जो रेटिकुलर सब्सटेंस होता है, रेटिकुलर सब्सटेंस में कुछ ब्रांचेस देते हैं स्लो पेन के फाइबर्स और कुछ इंट्रा लैमिनर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस में ये क्या कहते हैं ब्रांचेस देते हैं। ये जो इंट्रा लैमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस है, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे प्रेजेंट होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है। और कुछ जो होता है रेटिकुलर सब्सटेंस में देता है अपना क्या कहते हैं ब्रेन अपना ब्रांचेस देता है। ठीक है, ये ब्रांचेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्लो पेन के न्यूरॉन्स देते हैं। अब इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़े हम लोग। तो ये एक थैलेमस का स्ट्रक्चर होता है, रफ स्ट्रक्चर होता है थैलेमस का स्ट्रक्चर। ये एक थैलेमस का स्ट्रक्चर है जिसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, लेमिना प्रेजेंट होता है। ये जो लेमिना होता है ये थैलेमस को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करता है। ये जो लेमिना होता है एक्चुअली में कुछ नहीं, कॉम्पैक्शन ऑफ द व्हाइट मैटर होता है, और इसी लेमिना जो कि कॉम्पैक्शन ऑफ द व्हाइट मैटर जो कि ये प्रेजेंट होता है, इसी के बीच में कुछ सेल बॉडीज का कलेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियस कहते हैं। लेमिना के बीच बीच में है, इस वजह से हम लोग इसको इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियस कहते हैं, विच इज अ कलेक्शन ऑफ द ग्रे मैटर। ओके, Now what happens that जो slow pain carrying neurons होते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं spinal lemniscus है जो कि ऊपर की तरफ ascend कर रहा है, जो कि second order neuron है, ये ventropostal lateral nuclei में जाकर के क्या कर देता है, terminate कर जाता है, और यहाँ से third order neuron का beginning होता है। ये third order neuron जो होते हैं वो ऊपर जाकर के फिर internal capsule के posterior limb से होते हुए cerebral cortex में जाके terminate कर जाते हैं।
इस थैलेमस के अंदर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये जो स्पाइनल लेमिनिस्कस है इसमें जो स्लो पेन कैरिंग नर्व था, स्लो पेन कैरिंग नर्व था, इससे कुछ ब्रांचेस निकलते हैं। कुछ ब्रांचेस जो होते हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में काम करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। इसमें से कुछ ब्रांचेस जो हो जाते हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में चले जाते हैं, और कुछ ब्रांचेस जो हो जाते हैं वो चले जाते हैं कहाँ पे, हम लोग कहते हैं इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस। ये इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में ये ब्रांचेस स्लो पेन नर्व न्यूरॉन से निकलते हुए चले जाते हैं। अब ये जो रेटिकुलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन और इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई में ये जो ब्रांचेस जाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलर्टनेस ऑफ द ब्रेन के लिए। स्लो एकिंग पेन जो होता है उस समय हमारा ब्रेन अलर्ट रहता है कि हमारी टिश्यूज डैमेज हो रही है। ये अलर्टनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ब्रेन के अलर्टनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यूक्लियर सब्सटेंस और इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस की ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द स्लो पेन। ठीक है, तो ये डिफरेंट पाथवे हमने पूरा पढ़ लिया हर एक लेवल पे कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड से सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का लेटरल ब्रांच होता है वो टर्मिनेट करता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बिगिन होता है। इस पूरे एरिया को हमने सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा कहा। फिर कॉन्ट्रालेटरल पार्ट में जाता है, कॉन्ट्रालेटरल पार्ट में जाकर के इसके टोटल दो पार्ट होते हैं, क्योंकि इसका नाम एंटेरोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे, तो इसके दो पाथवे का मिक्सचर होता है, लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे और एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक पाथवे। लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे जो जाता है वो पेन और टेम्परेचर को कैरी करने का काम करता है, और एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक पाथवे क्रूड टच को कैरी करने का काम करता है, और ये धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ एसेंड होता हुआ चला जाता है, यहाँ पे जाकर के स्पाइनल लेमिनिस्कस बना देता है, फिर ऊपर की तरफ जाकर के ये वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियाई में जाकर के ये टर्मिनेट कर जाता है। वहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का बिगनिंग होता है जो कि पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से लेकर के और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाकर के रेडिएट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू हो जाता है हमारा असेंडिंग पाथवे का, एंट्रोलेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे का। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसका नाम था सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। इस सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा को अगर हम लोग डीपली पढ़ें कि इसके अंदर क्या क्या होता है, तो ये सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का टर्मिनेशन हुआ था और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का बिगनिंग हुआ था। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं वेसाइकल्स के अंदर, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीजिंग होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्लूड कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में, और कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि सेंसिटिविटी ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को बढ़ा देते हैं। जो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में, उसमें आ जाता है ब्रेडिकाइनिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन दैट इज सेरोटोनिन, हिस्टामिन, एसिड्स, पोटेशियम एंड एसिटिल्कोलाइन, और जो रिड्यूस करते हैं थ्रेशोल्ड फॉर द पेन को दैट इज इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, वो उसमें आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन और सब्सटेंस पी। ये प्रोस्टाग्लैंडिन और सब्सटेंस पी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं करते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके। इस सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और सब्सटेंस पी का, जो कि थ्रेशोल्ड ऑफ द पेन को कम कर करके एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन को ईजी कर देते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में ऐसे ट्रांसमिशन होता है। अब हम लोग समझेंगे कि पेन कैसे कम हो जाता है। अगर हम लोग डिसेंडिंग पाथवे अभी हमने नहीं पढ़ा है, पर डिसेंडिंग पाथवे के जब डिसेंडिंग पाथवे होता है, जैसे असेंडिंग पाथवे में पेन जब हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, तो फिर हमारा बॉडी उस पेन को कम करने की कोशिश करता है। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं दैट इज सिनर्जिक नॉन एड्रेनर्जिक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन्स कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर कुछ इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को जाकर के इनहिबिट करने का काम करता है, और इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या कर देता है, रिलीज होने से रोकता है, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से पेन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में नहीं आ पाता है। इसके साथ ही साथ इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दैट इज सेरोटोनिन एंड नॉन एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये कनेक्टेड न्यूरॉन को जाकर के स्टिमुलेट करते हैं। ये कनेक्टेड न्यूरॉन जो होता है वो क्या रिलीज करता है, ओपियोइड्स रिलीज करता है। ओपियोइड्स में जैसे कि एनकैल्फिन और एंडोर्फिन ओपियोइड्स होते हैं, ये ओपियोइड्स को रिलीज करता है। अब ये ओपियोइड्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन दोनों को जाकर के इनहिबिट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से पेन का ट्रांसमिशन कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि मोटर न्यूरॉन जो हो जाता है सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को भी इनहिबिट करता है, और कनेक्टेड न्यूरॉन को स्टिमुलेट करके उनसे ओपियोइड्स रिलीज करवा करके, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन दोनों को इनहिबिट करवा देता है, जिसकी वजह से पेन जो हो जाता है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग पाथवे से जो मोटर न्यूरॉन हो जाता है इस पेन को क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर हम लोग कहते हैं कि जो दूसरे पाथवे के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे न्यूरॉन्स फॉर द डॉर्सल पाथवे होता है, ये न्यूरॉन्स से भी कुछ ब्रांचेस निकलते हैं जो कि जिसके जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं उनसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो कि कनेक्टेड न्यूरॉन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जो कि फिर से ओपियोइड्स रिलीज करके इन दोनों को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से पेन का इनहिबिशन हो जाता है। इसीलिए जो स्लो एकिंग पेन्स होते हैं उनके अंदर मसाज, अगर हम लोग कहते हैं स्लो एकिंग पेन किसी को हो रहा है और उसको हम लोग मसाज कर देते हैं तो क्या होता है कि उसका पेन कम हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि मसाज दैट इज प्रेशर एंड वाइब्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है
है डॉर्सल पाथवे, और इसी डॉर्सल पाथवे को जब स्टिमुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो कनेक्टर न्यूरोन को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि ओपियोइड रिलीज कर करके इन पेन रिसेप्टर, इन पेन न्यूरोन्स को क्या कर देता है, कम कर देता है, इनके अंदर ट्रांसमिशन कम कर देता है, जिसकी वजह से पेन का ट्रांसमिशन कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारा बॉडी पेन को कम करता है, और किस तरह से हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से पेन को कम कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा पाथवे जो होता है ये सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा का था, कि सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा के लेवल पे कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक दूसरे को, न्यूरोट्रांसमीटर्स से एक दूसरे न्यूरॉन एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द समरी ऑफ द एंट्रोलेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे, हम लोग जब समरी पढ़ते हैं एंट्रोलेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे के, तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले स्पाइनल नर्व एंटर किया था डॉर्सल रूट से, तो स्पाइनल नर्व का सेंसरी स्पाइनल नर्व एंटर्स थ्रू द डॉर्सल रूट, और इसके एंटर करने के बाद इसका जो लेटरल ब्रांच था वो टर्मिनेट किया था इन द डॉर्सल हॉर्न एंड द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बिगिंस। तो ये इस तरह से स्पाइनल नर्व एंटर किया था, इसका लेटरल ब्रांच जाकर के टर्मिनेट किया था, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का यहाँ पे बिगनिंग हुआ था, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डिकसेट टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड एंड कंटिन्यूज एज द थ्री पाथवेज फॉर डिफरेंट सिग्नल ट्रांसमिशन। ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थे इसके टोटल थ्री पाथवेज हमने देखे, एक एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक पाथवे, एक लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे, और एक और पाथवे होता है स्पाइनोटेक्टल पाथवे, मेनली एंट्रोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे के ये दोनों पाथवेज ही क्या कहते हैं पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं थ्री पाथवेज यूनाइट्स एट द मेड्यूला ऑब्लंगाटा टू फॉर्म अ सिंगल ट्रैक नोन एज द स्पाइनल लिम्निस्कस, ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों पाथवे थे मेड्यूला ऑब्लंगाटा के लेवल पे, ये तीनों के तीनों पाथवे जो थे वो मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ये तीनों के तीनों पाथवे मेड्यूला ऑब्लंगाटा के लेवल पे जाकर के एक दूसरे से फ्यूज कर करके एक सिंगल ट्रैक्ट बनाते हैं, जिस ट्रैक्ट का क्या नाम था स्पाइनल लिम्निस्कस। इसके बाद हमने पढ़ा फाइबर्स फ्रॉम द स्लो पेन न्यूरॉन गोज टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड टू द इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। हमने देखा कि जो स्लो पेन न्यूरॉन्स थे, स्लो पेन न्यूरॉन से कुछ फाइबर जो थे वो रेटिकुलर सब्सटेंस में गए और इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस के अंदर गए, जहां जो कि अलर्टनेस ऑफ द ब्रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, ठीक है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि द स्पाइनल लेमिनिस्कस टर्मिनेट्स इन द वेंट्रोवेसल कॉम्प्लेक्स दैट इज द बीपीएल, दैट इज वेंट्रोपोस्टरलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। ये जो स्पाइनल लेमिनिस्कस था ये जाकर के जो कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था ये जाकर टर्मिनेट कर जाता है वेंट्रोपोस्टरलेटरल न्यूक्लियस में, दैट इज वेंट्रोवेसल कॉम्प्लेक्स में। फिर यहां से हम लोग कहते हैं कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बिगिंस एट द वेंट्रोपोस्टरलेटरल न्यूक्लियस, पासेस थ्रू द पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल एंड टर्मिनेट्स एट द पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो यहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो एंटर करता है, जो कि इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिंब से होते हुए और पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, लंबे जाकर के क्या कर जाता है, रेडिएट कर जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा सम कनेक्शंस टू द सिंगुलेट गायरस फॉर इमोशंस एंड इंसुलर कॉर्टेक्स फॉर ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस आर आल्सो सीन। हमने कहा थे कुछ कनेक्शंस थे जो कि सिंगुलेट गायरस और इंसुलर कॉर्टेक्स से भी देखे गए थे। सिंगुलेट गायरस में इमोशनल एरिया इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और इंसुलर कॉर्टेक्स जो होता है वो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस ऑफ द ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा पाथवे था, दैट इज एंटीरोलेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे, जो कि हमने पूरा यहाँ पे पढ़ा।